सो है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मैं तो सारे यूपी अठहत्तर से। सो जैसा कि आज है दशहरा, तो सबसे पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दशहरा के दिन लोग दूर दूर जाते हैं मेला देखने। जो हमारे यहाँ घर के सबसे पास में जो मेला लगता था वो था गल्ला मंडी पार्क में मेला लगता था, लेकिन अभी वो जगह भर चुकी है क्योंकि वहाँ पर कानपुर मेट्रो का यार्ड बन चुका है और वहाँ पे काम चल रहा है। तो इस बार मेला के लिए तो कोई जगह नहीं थी। आई थिंक एक पास में छोटा सा पार्क और वहाँ पे मेला लगने वाला है, तो शाम को जाएंगे मेले में, एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। और एक बात बताऊँ, जो दशहरे वाले दिन पान खाने का रिवाज होता है उसमें कौन कौन हिस्सा लेने वाला है कॉमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो हर साल भाई पान खाता ही हूँ। साल में एक बार दिन आता है भाई, तो पान खा लेना चाहिए, मीठा पान। और आज जैसा कि दशहरा है तो फटाफट से चलते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं और चलते हैं एक प्यारी सी राइड पर। सो फाइनली मैं हो चुका हूँ नहा धो करके एकदम रेडी, तो चलिए निकलते हैं राइड के लिए। तो फाइनली मैं आज निकल चुका हूँ एक छोटी सी राइड के लिए। जैसा कि आज है दशहरा, तो रास्ते में कहीं पान की दुकान दिखेगी बढ़िया सी, तो वहाँ पे एक पान भी खाएंगे। और दशहरा में भाई पान खाना इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो। साल में एक दिन आता है तो पान खा लेना चाहिए। और व्यू चेक करो गाइस, आज ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो इस वजह से राइड करने का मन किया। तो मैं सुबह से निकल चुका हूँ अपने घर से और मैं पहुँच चुका हूँ अभी नौबरसा बम्बा, जैसे कि आप देख सकते हो त्रिमूर्ति अपार्टमेंट आपको सामने दिख रहा है। जो लोग कानपुर से रिलेट करते हैं वो जानते होंगे शायद इस लोकेशन को। और हमारे यहाँ एक पान की दुकान है, फेमस पान की दुकान, चौरसिया पान भंडार पीछे है। मैं लौट के एक पान बनवाऊंगा बढ़िया सा मीठा पान। कल जी रुक जाओ वरना चढ़ा दिया जाएगा। देख रहे हो भाई, मेट्रो का काम बड़ी तेज चल रहा है कानपुर में, इसीलिए हमारा मेला इस बार कैंसिल हो गया। गल्ला मंडी में हर बार मेला लगता था, इस बार वो मेला कैंसिल हो गया सिर्फ मेट्रो के काम के चक्कर में। लेकिन 2024 में जो है मेट्रो चालू हो जाएगी कानपुर में, तो आने जाने में आराम हो जाएगी, पैसा भी बचेगा, क्योंकि मेट्रो भाई ज़्यादा महंगी नहीं है, मेट्रो बहुत सस्ती है कानपुर में भाई। अभी हंटर 350 पता, मैं जब हाईवे में चलाऊंगा ना तब आपको दिखाता हूँ इसका क्या फील है हंटर 350 का। हंटर 350 को चलाने का एक अलग मज़ा है। पापा बच गए, बिना देखे रोड पार कर रहे हैं पापा, समझ लो। अभी चढ़ा देता मैं इनके ऊपर भाई। कानपुर में लोगों का अलग ही नशा है भाई, समझ रहे हो। चलती गाड़ी में एसएनके खाए रहे थे, एसएनके कमला पसंद और अच्छी क्वालिटी सिग्नेचर, समझ रहे हो। तो चलती गाड़ी में कब कहाँ पान मसाला की पिचकारी मार दें आपको पता नहीं चलेगा। पीछे नहीं देखते, सिर्फ पिचकारी मारने से मतलब है। असल में मैं जो गल्ला मंडी का प्लान कर रहा था सुबह की गल्ला मंडी मेला देखने जाऊंगा, वो असल में छोटा सा मेला होने वाला है, तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कैंसिल कर दूँ और किदवाई नगर जाते हैं। किदवाई नगर में एक मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो वो मेला आई थिंक बेस्ट रहेगा आज का मेला घूमने के लिए, तो वहीं पे जाएंगे। और अभी तो मैं राइड पे निकल चुका हूँ। जैसा कि भैया हेलमेट नहीं लगाए, देख रहे हो भाई साहब, बिना हेलमेट लगाए वो भी रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ऐसे लोगों की तो गाड़ी चढ़ती भाई, समझ लो भाई। ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करोगे, घर से निकलोगे विदाउट हेलमेट और रॉन्ग साइड चल रहे हो, पहली बात तो कब कहाँ से निकले यार, पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा प्रकट हो रहे हो। यूपी में काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है भाई, समझ समझ रहे हो। ई रिक्शा वाले चाचा रोक लो, नहीं चढ़ा दें क्या, जगह तो दोगे नहीं यार तुम। हाल दिल देख रहे हो, किस्मत देख रहे हो भाई, रेड सिग्नल नहीं समझो, किस्मत, इसको किस्मत बोलते भाई। ग्रीन सिग्नल मिल जाए जहाँ पे चौराहा पार करते समय, तो इसको किस्मत ही बोलेंगे। रुक जाइए, देख के पार करिए रोड अब। और अभी मैं चढ़ाता हूँ हाईवे, चेक करो गाइस, देख रहा हूँ गाइस। अभी इधर जो फील आ रहा है ना अंडर 350 को राइड करने का भाई, अलग ही फील है एकदम, समझो आप। अभी विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा होगा अंडर 350 पे, क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में जो है हवा चल रही है। और अभी मैं इसको टॉप स्पीड आपको दिखाता हूँ मैं अपनी हंटर 350 की। मैं अभी तक इसकी टॉप दो तीन बार ही टच किया हूँ, मैं लगभग 130 से 35 की टॉप स्पीड है हंटर 350 के ऊपर। तो जब मैं यू टर्न लूँगा तब इसकी टॉप स्पीड जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अभी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, अपोजिट डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ ना, इसलिए। अभी देखो कट दिखाता हूँ मैं आपको, प्यारे से बेहतरीन। भाई साहब, इतने सारे लोग ट्रक में सवार होके जा कहाँ रहे हैं,
लो भाई ट्रक खराब हो गया बीच रोड में, ट्रक नहीं छोटा आती है। अभी जिस हाईवे पे हूँ, ये हाईवे है कानपुर टू लखनऊ हाईवे, और इधर से जाने की तरफ का हाईवे जो है थोड़ा सा भाई रोड कम सही है, मतलब कि हाईवे कम सही बना हुआ है, लेकिन जब मैं यू टर्न लूंगा उधर साइड की रोड भाई एक नंबर चकाचक रोड है भाई, उधर पे एक भी रोड में गड्ढे वगैरह नहीं है। इधर जानते समय थोड़ी सी रोड खराब है, डिस्टर्ब है रोड, तो यू टर्न जब लेंगे तभी आपको 100 350 को 130 टच करके दिखाऊंगा मैं। तो अभी जो आप सामने देख रहे हो यहाँ पे हाईलाइट बोर्ड लगे हुए हैं, ये वाला जो हाईवे है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉरी ये लखनऊ के लिए जाता है, और स्ट्रेट जो है वो अलाहाबाद के लिए जाता है, और राइट हैंड साइड पे वाराणसी जाता है, समझ रहे हो। तो मुझे अभी ना लखनऊ जाना है, ना अलाहाबाद जाना है, ना वाराणसी जाना है, मुझे अभी यहाँ से लेना है यू टर्न। तो हाईवे के नीचे से यू टर्न मिलेगा मुझे, तो नीचे चलते हैं और यू टर्न लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको 130 प्लस ऑन माई 100 350 रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा। देख रहे हो गाइस चेकिंग लगी बहुत ज़्यादा, और नीचे चलना है हमें तो ऊपर नहीं जाना। भाई साहब सब्जी मंडी लगी, देख रहो दशहरा वाले दिन भी लोग सब्जी खरीद रहे हैं, पटाखे खरीदने चाहिए इनको आज के दिन, ये लोग सब्जी खरीद रहे हैं। यू टर्न लेता हूँ मैं यहाँ से, चेकिंग लगी बहुत बेहतरीन, देखो भाई साहब पकड़े गए चालान कटेगा आज। और भाई भैया दो लोग बैठ के चला रहे हैं, हेलमेट भी नहीं लगाते हैं, डॉक्यूमेंट भी नहीं पूरे रखते, भाई चालान तो कटेगा, सीधी सी बात है ना भाई। अभी मैं चढ़ चुका हूँ हाईवे यू टर्न लेकर के, तो चलिए अभी वो टाइम आ चुका है जब मैं अपनी 100 350 को 130 टच करूँगा। ये भाई होंडा की सीवी भाई, ये इसकी भाई बात अलग है, थोड़ी सी ये महंगी भी है ना पहली बात, तो अभी इसे ड्रैग मारते हैं। तो भाई साहब लग रहा है टूरिंग करने जा रहे हैं, ड्रैग रेस हो जाएगी भाई। कर दिया गाइस पीछे कर दिया, मेरी हंटर टीवी से कम है क्या, 110 भाई टीवी पीछे ही है, 120 भाई टीवी पीछे हो गई भाई, ये देखो भाई आगे निकल गया, अभी जब मैंने ड्रॉप मारी अपनी गाड़ी तब आगे निकल रहे, भाई पीछे कर दिया मैंने आईनेस को पीछे करूंगा मैं फिर से अभी एक बार। तो भाई ड्रैग रेस चल रही है ऐसा लग रहा, रैंडम ड्रैग रेस। रोड पे भाई 125 डन करा दी मैंने मुझे, भाई साहब देखो जब मैं ड्रॉप डाउन मारता हूँ तभी ओवरटेक कर रहा बंदा मेरे को, हेड गियर 100 चेक इट नाउ 98 रॉन्ग साइड आने वालों की तो क्या ही बोलूं मैं भाई, गालियां निकलती, लेकिन छोड़ो कानपुर के लोगों की आदत ही यही है भाई, समझते ही नहीं है, रॉन्ग साइड चले आ रहे ओवर, वो भी ओवर स्पीडिंग करते हुए, भाई रॉन्ग साइड चल रहे हो कम से कम चलो अपना 30-40 चलो, तेज तेज चले आ रहे हो, घुस जाओगे फिर बोलोगे गलती निकालोगे सामने वाली की, गलत चीज़ है भाई मत करो, नहीं तो वही वाला गाना सूट करेगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। भाई नहीं लेके आए हो क्या अभी कल निकलवाई थी, अच्छा अभी लगा माला वाला लगा रखा ना इस वजह से, हेलमेट नहीं मिला क्या साथ में, हेलमेट नहीं मिला, अच्छा अभी होंडा का लगा रखा ना इस वजह से मैंने पूछा। अभी चलते हैं, पान खाने का टाइम हो चुका है तो पान खाते हैं चल के।
सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चौरसिया पान शॉप, देख सकते हो आप। चलते हैं लगवाते हैं एक मीठा पान, 20 रुपए का ना ये ले। ये बढ़िया, ये तो अभी ये पान चुक करो, बहुत ही बेहतरीन पान है। इसके ऊपर एक चेरी भी लगी हुई है भाई, देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है ये वाला पान अच्छा लग रहा है देखने में और काफ़ी अच्छी लुक में भी है। डिज़ाइन देखो भैया ने क्या स्टाइल को पैक किया है। तो आप लोग भी ये वाला पान ट्राई करना, चौरसिया पान शॉप आओ हमारे यहाँ आवास विकास में, इसको ट्राई करो आके। तो फटाफट से इसको खाते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो भाई पान तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है भाई, पूरा का पूरा मुंह भर गया, इतना ज़्यादा ओवर साइज पान था ये बोलते भी नहीं बन रहा सही से, लेकिन पान का टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। और अभी पान वगैरह खा लिया, चलते हैं घर। सो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और हंटर 350 और सी बी एन एस की ड्रैग रेस देख के आपको क्या लगता है कौन विनर होगा, हंटर 350 या फिर सी बी एन एस, कॉमेंट करके बताइएगा। और ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।